लॉकडाउन के बाद बिहार के बाहर के प्रदेश से लोगों का आने का सिलसिला जारी है। केनगर थाना क्षेत्र के हरदा गंगेली के समीप उत्तर प्रदेश के नंबर के ट्रक से करीब 60-70 लोगों को बरामद किया गया है। ये सभी लोग ट्रक में छुपकर आगरा से पूर्णिया आए हैं। चपई गांव के समीप युवकों ने संदेह के आधार पर तिरपाल से ढके इस ट्रक को पकड़ा। इतनी बड़ी संख्या में छुपकर लोगों के आने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वीडियो और थाने को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सभी अधिकारी मेडिकल टीम लेकर गाँव पहुँचे। के नगर अंचलाधिकारी ने बताया कि सभी मजदूर हैं जो धमदाहा के रहने वाले हैं। सभी का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, जिसके बाद सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। सिटी हलचल के लिए पूर्णिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कैट में ये लोग जब आए, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे ये लोग पहुंचे? अरे ये लोग जो है ना यूपी से आ रहा था। अच्छा, तो जब हमारे पंचायत होके ये लोग क्रॉस करा था ट्रक, इसी में से कुछ लोग इस ट्रक में ऊपर से तिरपाल मरा हुआ था, इसके अंदर में जो है लोग सब पूरा भरा हुआ था। उसी और आगे में ट्रक का जो है इसमें खाद आपूर्ति विभाग का बोर्ड लगा हुआ था, तो उसी में से कुछ लोग जो है चपई के आसपास जब ये लोग पहुंचा है, मेरे पंचायत में ही चपई है, जब वहां पहुंचा है तो उसी में से कोई व्यक्ति जो है थूक फेंकने के बहाने से जो है मुंह निकाला। उसी में हमारे यहां के जो युवा सब हैं लड़का लोग वो देख लिया, देखने के बाद जो है वो लोग गाड़ी को घेरा, घेरने के बाद गाड़ी को रोक लिया गया। रोकने के बाद फिर हमको फोन हुआ, फिर हम लोग आए सब आदमी और हम लोग फिर थाना को सूचित किए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित किए, सारे पदाधिकारी को सूचित किए, उसके मेडिकल टीम को सूचित किया गया, वो वहाँ से आए हैं। ये लोग का जांच उच हो रहा है और जांच होकर के ये लोग सब धंधा अनुमंडल क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसी धंधे अनुमंडल के हैं, उसी के बगल में पंचायत है, वहीं के लोग हैं। ये लोग कुछ लोग कजरा के हैं। ये लोग को मान लीजिए कि यहाँ पर ना हाथ धोने की व्यवस्था या सैनिटाइजिंग वगैरह करने का ये सब कुछ व्यवस्था हो रही है? सब सैनिटाइजर हो रहा है, टोटल टोटल व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई कमी नहीं। लोग को भोजन वोजन भी कराया गया है और उसके बाद जो है पानी का व्यवस्था है, ट्यूबवेल है। कितना आदमी था? ये लोग 70-80 आदमी लगभग में है। 70 सबका मेडिकल टीम जांच हो रही है, सबका लिस्ट बनकर 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। जांच होते जा रहा है, लोगों को भोजन भात भी करा दिया गया है, उसमें कोई कहीं कोई कमी नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम पप्पू यादव हुआ, मेरी पत्नी यहाँ की मुखिया है, हम पूर्व मुखिया थे। ये लोग सर कहाँ से आए हैं? सब आगरा से आए हैं। आगरा से आए हैं? तो इनके बारे में जो पता चला, इन लोगों को अभी मेडिकल टीम आई है, क्या इसमें कुछ संदिग्ध? अभी तो मतलब देखिए जो भी है, मान लीजिए कि अभी चेक कर हो ही रहा है, मेडिकल टीम चेक कर रही है, ठीक है। सारे लोग जो है धमदाहा अनुमंडल के हैं, अलग अलग पंचायत के हैं, सर चंपावती के हैं, कजरा के हैं, उसके बाद मेघलाहा पुरंदहा के हैं, ऐसे ही अलग अलग पंचायत से जुड़े हुए हैं। धमदाहा जो है, धमदाहा के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग अभी संपर्क किए हैं और वो लोग जो है उनको मैनेज करेंगे। जो जो पंचायत के हैं, संबंधित पंचायत के जो भी क्वारंटाइन कैंप हैं, उसमें सब लोगों को जो है रखा जाएगा, वहीं उनकी सारी व्यवस्था होगी। कितना आदमी है ये? करीब करीब 70 लोग हैं। 70 लोग, क्योंकि यहाँ जागरूक प्रतिनिधि लोग भी हैं और हमारा जो है सब दुरुस्त है यहाँ पुलिस प्रशासन में, यहीं पर पकड़ लिए इन लोगों को। अच्छा है कि स्क्रीनिंग होके जाना अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम लोग पकड़ लिए हैं कम से कम स्क्रीनिंग हो, उनका जरूरी है मेडिकल स्क्रीनिंग, उसके बाद फिर हम लोग जो है संबंधित जगह में सबको कंसल्ट कर लिए हैं, छोड़ देंगे और वो अपने अपने क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।